गुड मॉर्निंग, मैं जसप्रीत। कहिए, मैं आपकी कैसी सहायता कर सकती हूँ आज? नमस्कार मैडम, एक मिसिंग लगेज की इंक्वायरी करनी थी मैडम। यस सर, आई विल सर्टेनली बी एबल टू हेल्प। प्लीज अपना फाइल रेफरेंस नंबर मेरे साथ शेयर करें। इट इज BOM8W2447। एक इंटरनेशनल फ्लाइट थी भाया दिल्ली टू मुंबई, एंड मुंबई में बैग वॉज मिसिंग। ओके सर, तो जैसे कि मैं सिस्टम में देख रही हूँ, अभी तो कोई अपडेट आया नहीं है। जैसे ही कुछ पता चलता है मैं आपको अपडेट कर दूंगी। आप 3 दिनों के अंदर में आसपास मिलेगा मैडम। आपका ये बैग दिल्ली में खोया था ना? राइट मैडम। तो दिल्ली से तो एक दिन में आ जाएगा, कल की फ्लाइट से आ जाएगा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हाँ, बहुत बहुत सुंदर। थैंक यू वेरी मच मैडम। नो प्रॉब्लम सर, आपका दिन शुभ रहे। आपका भी मैडम। गुड मॉर्निंग, मैं प्रिया। कहिए, मैं आपकी कैसी सहायता कर सकती हूँ आज? एक मिसिंग लगेज की इंक्वायरी थी मैडम। आप मेरे साथ वो फाइल रेफरेंस नंबर शेयर करें। BOM8W2447। ओके सर, तो जैसे कि मैं सिस्टम में देख रही हूँ, सॉरी सर, अभी तो कोई अपडेट आया नहीं है। जैसे ही अपडेट आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। 3 दिन हो गए मैडम, आई होप कुछ कर रहे हैं आप लोग। जी सर, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम इस काम में लगे हुए हैं। आप 24 घंटे बाद फोन कीजिए, जरूर कोई अपडेट मिलेगा आपको। मैडम, ये अपडेट आना कहाँ से है? सर, there are people working on it. कौन लोग हैं ये? कहाँ हैं ये लोग? Actually सर, वो automatically airport के system में update हो जाता है। लेकिन मैडम, airport पे वो लोग हैं तो आपने उनको contact करने की कोशिश की है? सर, आप चिंता बिल्कुल ना करें, आज शाम तक आपको खबर मिल ही जाएगा। पर ऐसे ही लोग पिछले 3 दिनों से बोल रहे हैं। हाँ सर, मैं पर्सनली इसमें देख रही हूँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपका बैग आपको मिल जाएगा। गुड मॉर्निंग, मैं जसप्रीत। कहिए, मैं आपकी कैसे सहायता कर सकती हूँ आज? सहायता ही तो आप नहीं कर रहे हैं मैडम, ये 7 दिन हो गया, एक मिसिंग लगेज की इंक्वायरी कर रहा हूँ मैं। जस्ट 1 मोमेंट, लेट मी प्लीज चेक इन द सिस्टम। मैडम, आपको चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं चेक करके बता देता हूँ, कुछ भी अपडेट नहीं है, कोई प्रोग्रेस नहीं है। सॉरी सर, मैं आपकी बात समझ सकती हूँ। इसमें कैसे कुछ प्रोग्रेस होने वाला है, आप बताइए। सर, मुझे तो कोई होप नहीं दिख रहा है इसमें। सर, आप मेरी बात सुनिए, आपको भी समझना होगा कि यहाँ पे 400 लोग हैं जिनकी बैग्स खोए हुए हैं, आप एक अकेले नहीं है। मैडम, आपको शर्म नहीं आती है? 400 लोगों के बैग्स आपने खो दिए हैं, क्या कर दिए हैं पता नहीं, और आप ये ऐसे बोल रही हैं जैसे वो गलती इन कस्टमरों की थी बेचारे। 400 कस्टमर्स को आपने भिखारी बना रखा है मैडम। मैं आपकी तकलीफ समझ सकती हूँ सर। तकलीफ आप नहीं समझ रही हैं मैडम, कैसे तकलीफ, कैसा तकलीफ आपने समझा? आप बता दीजिए, आपसे नहीं होगा तो मैं भूल जाऊँ उस बैग को, मुझे किसी सुपरवाइजर से बात कराइए प्लीज। सॉरी सर, लेकिन मैनेजर तो अभी बिजी हैं। मैनेजर किस चीज में बिजी है मैडम? जसप्रीत, टेल मी मैनेजर क्या कर रहे हैं? एक्चुअली अभी वो एक कस्टमर के साथ हैं। कस्टमर, थैंक यू। सो कस्टमर को ही हेल्प कर रही है ना, तो मैं भी तो कस्टमर हूँ, तो मैं वेट करने के लिए तैयार हूँ। एक्चुअली सर, उनको अभी काफी टाइम लगेगा, आप एक काम कीजिए, शाम को फोन कीजिए। शाम का तो आप नाम न ले मैडम। जसप्रीत, व्हाट्स योर फुल नेम? सर, जसप्रीत कौर। जसप्रीत कौर, मैडम आई एम टेलिंग यू, मैं फोन रखने वाला नहीं हूँ, और अगर आपने फोन डिस्कनेक्ट किया तो मैं लगेज से पहले आपको खोज निकालूंगा और अथॉरिटीज को रिपोर्ट करूंगा। आई एम टेलिंग यू, आप मैनेजर से बात कराएंगी अभी या नहीं? मेरी सुपरवाइजर मैडम लाइन पे हैं, आप प्लीज उनसे बात कीजिए। हेलो सर, दिस इज अंकिता हियर। यस अंकिता मैडम, नमस्कार। सिस्टम में आप देखेंगी मैडम, वहाँ कुछ नहीं मिलेगा। जी सर, मैं एक काम करती हूँ, इसको मैं एस्केलेट कर देती हूँ। मैडम एस्केलेट आप ना कीजिए, जो करेंगे मैडम आप करेंगे, अब इसके आगे मैं किसी और के पास नहीं जाने वाला हूँ। ये कौन सी बड़ी बात है, आपको कुछ एक जगह पे कांटेक्ट करना है, पता करना है कि ये मिल सकता है या लॉस्ट है। ओके सर, ओके, सो लेट मी लुक इनटू दिस। आपसे कुछ मैं डिटेल्स पूछ लेती हूँ। ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए सर, ये आपका बैग खोया कहाँ पे था, दिल्ली की बॉम्बे? सारा रामायण महाभारत खत्म हो गया, सीता कौन थी? मैडम आप रहने दीजिए, मुझे बैग नहीं चाहिए। नो प्रॉब्लम सर, आपका दिन शुभ रहे। हाय गाइस, हैप्पी न्यू ईयर। आई होप यू एंजॉयड नखरेबाज़'स फर्स्ट वीडियो ऑफ 2018। अ बिग थैंक यू टू पिताश्री फॉर स्टारिंग इन दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप फॉर हिम। एंड यस, दिस वीडियो वाज डेफिनेटली इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स। या सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड कम बैक नेक्स्ट वीक सो वी कैन डू सम मोर नखरेबाज़ी टुगेदर।